डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड सिस्क, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया तो शेयर करके और डिवाइस से भी करवा सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का मैक्सिमम सिलेबस जो है वो हमने कंप्लीट कर दी अपनी चैनल पे, जो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। जो दो तीन टॉपिक बचे हुए हैं उनको मैं कवर करवा रहा हूँ, ताकि आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट, पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो उस प्लेलिस्ट में से तैयार कर सको। तो देखो, सिस्क और रिस्क की अगर हम बात करें तो ये जो कैटेगराइजेशन हमने की है ये किस बेसिस पे की है, बेस्ड ऑन अ इंस्ट्रक्शन सेट, मतलब कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमने डालनी है। तो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब ही क्या है, सिस्टम को क्यों हमने कॉम्प्लेक्स बनाया, बिकॉज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर लार्ज। और अगर हम इसकी बात करें रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर लेस। सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो यही है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर लार्ज, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है मेरे पास, कम है। अब यहां पे उसी के बेसिस पे ही ये बाकी के डिफरेंसेस जो है वो बन रहे हैं। देन अगर हम बात करें यहां पे वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, मतलब कहने का जो इंस्ट्रक्शंस हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर 16 बिट की भी है, 32 की भी है, 64 बिट की भी है, मतलब एक साइज की नहीं है, हमने अलग अलग साइजेस की क्या रख रही है, इंस्ट्रक्शंस जो है वो रखी हुई है। लेकिन यहां पे मेरे पास क्या है, फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, मतलब 32 बिट का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट मैं यूज कर रहा हूं, तो उसी में मेरा ऑपकोड, उसी में मेरा ऑपरेंड, उसी में जो भी मैं फील्ड जो है वो रख रहा हूं इंस्ट्रक्शन की, वो मैं फिक्स्ड फॉर्मेट कर रहा हूं। तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट जो है वो बेनिफिट किसको दे देता है, प्रोग्राम काउंटर को बेनिफिट दे देता है, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर को पता है कि इंस्ट्रक्शन स्टार्ट यहां से है, एंड यहां से है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यहां से स्टार्ट है, खत्म यहां पे है, उससे नेक्स्ट यहां से स्टार्ट है। यहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्यों, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन अगर एक बाइट की है, दो बाइट की है, चार बाइट की है, आठ बाइट की है, तो उसके हिसाब से प्रोग्राम काउंटर को नेक्स्ट अवेलेबल इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कंटेन करके रखना पड़ता है। तो थोड़ा सा ये पॉइंट यहाँ पे उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट, प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है पॉइंट जो है वो प्रोग्राम काउंटर के हिसाब से, लेकिन ये उसके लिए इजीनेस है, दैट्स इट। प्रॉब्लम या उसकी बात आप चाहे ना ही लिखो। देन अगर हम बात करें लार्ज नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स, यहां पे ये सपोर्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स को। लार्ज नंबर क्या है, मतलब जितने भी आपके 8-9 एड्रेसिंग मोड्स हैं उनके अंदर वेरिएशंस हैं, सबको क्या कर रहा है सपोर्ट, फ्यू नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स हैं। मैक्सिमम हमारे पास यहाँ पे 4 एड्रेसिंग मोड्स हैं, और यहाँ पे मेरे पास इतने सारे एड्रेसिंग मोड की वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, या क्या आप कह सकते हो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एग्जाम में पूछ लें तो आपके पास जो इंस्ट्रक्शन है ना उसमें आपको मेंशन करना पड़ता है कि कौन सा एड्रेसिंग मोड है, ऑपरेंड आपका कहां पड़ा है, तो ये चीज आपको यहां पे अलग अलग मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड कम सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए फिक्स्ड लेंथ में ये प्रॉपरली वर्क करता है। देन कॉस्ट की अगर हम बात करें, कॉस्ट हाई है, मोर पावरफुल है, सिंपल सा रीजन आपको पता है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट क्या है, लार्ज है। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट लार्ज का मतलब क्या है कि आपको अगर कोई भी काम करना है, डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको लेट्स से कोई बिट को चेक करना है, कुछ भी अगर आपको चेक करना है, वो मैक्सिमम आपको इंस्ट्रक्शंस इसमें मिलेंगी। लेकिन यहां पे वो वाली इंस्ट्रक्शंस आपको मैक्सिमम नहीं मिलेंगी, हाँ आप अवेलेबल इंस्ट्रक्शंस को यूज करके आप कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को बना सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको क्या मिल रही है, इजी वाली इंस्ट्रक्शंस जो है, या कम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिल रही है, आप उनको मल्टीपल टाइम्स यूज करके जो है वो उसको बना सकते हो एज ए व्हाट, कॉम्प्लेक्स। लेकिन यहां पे आपको बाय डिफॉल्ट ही कॉम्प्लेक्स मिलेंगी। हार्डवेयर के ऊपर ऑब्वियसली नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर ज्यादा सपोर्ट करवानी है तो हार्डवेयर भी आपका ज्यादा जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। अब लेट्स से आपको एडिशन भी करवानी है, सब्ट्रैक्शन भी करवानी है, मल्टीप्लिकेशन भी करवानी है, आपको डिवीजन भी करवानी है, तो हार्डवेयर जो है वो आपका प्रॉपरली सपोर्ट करना चाहिए, हार्डवेयर में आपके पास ज्यादा एडिशन फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, इसीलिए कॉस्टली बनेगा बट पावरफुल होगा। यहां पे क्या है, यहां पे लेट्स से अगर आपके पास सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन आप नहीं चाहते, तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए आप एडिशन को मल्टीपल टाइम्स जो है वो करवा सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, ये इजीली जो है वो आपको प्रोवाइड करता है सारी की सारी इंस्ट्रक्शन, लेकिन हार्डवेयर
कॉस्ट ज्यादा होगी तो दैट्स वाई ओवरऑल कॉस्ट बढ़ेगी और यहां पे ओवरऑल कॉस्ट आपकी क्या रहेगी, कम। देन अगर हम बात करें सेवरल साइकिल इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शंस जो है जरूरी नहीं है कि एक साइकिल में काम कंप्लीट होगा, मल्टीपल साइकिल्स भी ले सकती हैं। सीपीआई की वैल्यू यहां पे थोड़ी इसीलिए गड़बड़ रहती है, ज्यादा हो जाती है, लेकिन यहां पे सीपीआई को हम 1 रखने की कोशिश करते हैं यूजिंग द पाइपलाइन, बिकॉज सिंगल साइकिल में इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट। देन मैनिपुलेशन डायरेक्टली इन द मेमोरी, यहाँ पे जो आपकी इंस्ट्रक्शंस है ना वो ज्यादातर क्या है, मेमोरी टू मेमोरी है, मतलब मेमोरी में डेटा को हम जो भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो डायरेक्ट रैम में जाके हम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, रजिस्टर्स का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे रजिस्टर टू रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस को ज्यादा यूज कर रहे हैं। ऑल्दो लोड एंड स्टोर जो है वो बाय डिफॉल्ट यूज होगा, क्योंकि डेटा आप मेमोरी से लोड करोगे और फाइनल रिजल्ट को आप स्टोर करोगे, तो यहाँ पे लोड एंड स्टोर मेनली यूज हो रही है मेमोरी से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे मेमोरी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन है, सारे के सारे काम हम मेमोरी में ज्यादातर जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। देन ये माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट बेस्ड है और ये हार्डवायर कंट्रोल यूनिट बेस्ड है। कंट्रोल यूनिट जो सिग्नल्स को जनरेट करता है, अगर आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन को फेच करना है, डिकोड करना है, एग्जीक्यूट तक, ये सारा काम कंट्रोल यूनिट का सिग्नल्स को जनरेट करना, तो ये माइक्रो प्रोग्राम्ड बेस्ड है जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ये जो है हार्डवायर्ड है, फिक्स्ड काइंड ऑफ एनवायरमेंट है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप नोट कर सकते हो, याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मेनली कुछ कुछ एग्जांपल जो है वो आप नोट कर सकते हो। ये मैंने पॉपुलर जो आपके कह सकते हो पॉपुलर जो आर्किटेक्चर वही यहाँ पे लिखा है, जैसे ये जो फुगाकू, ये एक्चुअल में क्या है 2020 में सुपर कंप्यूटर, ये एग्जांपल है सुपर कंप्यूटर का, तो वो भी एक्चुअल में क्या है रिस्क सिस्टम को यूज करता है। इसको मैं फाइनली समराइज कर रहा हूँ छोटे से एग्जांपल से, ताकि आपको एग्जांपल से पूरा क्लियर हो जाए। लेट्स से दिस इज माय रैम रजिस्टर सेट है और ये मेरा एग्जीक्यूशन यूनिट है। अब देखो रैम के अंदर लेट्स से मेरा ये लोकेशन है 2x2, 2x2 में लेट्स से नंबर ऑफ रो मेरी 4 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, तो 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम में एक्स पड़ा है, थर्ड रो थर्ड कॉलम में वाई पड़ा है, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग। अब देखो यहां पे मेरे पास सिस्क में क्या करना है, सिस्क में आप डायरेक्टली मल्ट MULT इंस्ट्रक्शन का यूज करो, 2:2 में क्या पड़ा है एक्स पड़ा है तो एक्स को उठाओ, कॉमा 3:3 में क्या पड़ा है वाई को पड़ा है तो वाई को उठाओ, तो इसने एक ही इंस्ट्रक्शन में कंप्लीट कर देना है और इसका मतलब क्या, एक तरह से एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, मतलब जो भी इन लोकेशन में पड़ा उसको उठाया और डायरेक्टली मेमोरी में ही मल्टीप्लाई करके और मेमोरी की उसी लोकेशन में एक्स वाली लोकेशन में स्टोर कर दिया। तो जब आपने इस इंस्ट्रक्शन को, या आप कह सकते हो अगर लेट्स से आप इसको यूज कर रहे हो इस कोड को, तो इसने असेंबली कोड में मशीन कोड में नंबर ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या करनी है, कम करनी है, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा फॉर्मेट जो है, ज्यादा आप कह सकते हो इंस्ट्रक्शंस को एक तरह से कंपैटिबल है, तो इसीलिए इसने नंबर ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस कम प्रोड्यूस करने हैं। यहां पे देखो सेम काम हम कर रहे हैं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी इस लोकेशन में डेटा पड़ा है उसको रजिस्टर में लाना पड़ेगा, लोड किया, फिर जो दूसरी लोकेशन में पड़ा है उसको लोड किया, फिर हमने क्या यूज किया प्रोड, जो रजिस्टर्स के अंदर हमने क्या किया प्रोडक्ट किया ए और बी का, और फाइनली ए की वैल्यू को अगेन हमने स्टोर किया 2x2 लोकेशन में। तो ये पूरा का पूरा काम हम 4 इंस्ट्रक्शंस में कर रहे हैं, ये आपका एक माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में हो गया, तो कहीं ना कहीं मेमोरी का यूटिलाइजेशन यहाँ पे ज्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें आज के टाइम पे रैम जो है बहुत ज्यादा चीप हो चुकी है एज कंपेयर टू हम लास्ट के 10, 20, 30 ईयर्स की बात करें, तो इसीलिए दिस सिस्टम इज मोर पॉपुलर देन दिस। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल जितने भी बताए हैं, दीज पॉइंट्स आर मोर देन सफिशियंट फॉर योर कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक यू।